समझे। हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास KTM ड्यूक 200 BS4 बाइक है, आया है मेरे पास। ये बाइक आया है इसलिए आया है, इसको इसका सोल्यूशन क्या, रीजन क्या है, इसको फोल्ड क्या है, वह सबको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाने वाला हूँ आज, कुछ शेयर करने वाला मिस्त्री के लिए। ये बाइक होता है क्या, जब इग्निशन ऑन किया, जब बाइक को हम स्टार्ट किया तो टोटल बॉडी को घुमाऊँगा तो गाड़ी बैठ जाता है, बट पिकअप अच्छी से नहीं आता है पिकअप। तो इसका फोल्ड क्या है आपको हम दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो देखिए इस तरह ड्यूक 200 BS4 बाइक है ये। तो हमारा वीडियो एंड तक वॉच करना, लास्ट से वॉच करना। तो हमारा वीडियो में पहली बार आया तो हमें वीडियो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चलो गाइस, हम आपको फोल्ड दिखाता हूँ। पहले हम इसे ऑन किया, डिस्प्ले में लाइन पूरा आ चुका है, एक बार और दिखाता हूँ टैंकी किस तरह वर्क करता है। करता है तो गाड़ी पूरा बढ़ जाता है जब टोटल घुमाता हूँ हम। चलो हम बाइक के ऊपर स्टार्ट करता हूँ, बाइक को हम, बाइक पूरा स्टार्ट हो गया। जब हम टोटल घुमाऊँगा बाइक बढ़ जाता है। पापा इसे बढ़ जाता है, ऐसा बढ़ गया। तो इसका बढ़ जाता है, ठीक है। फोल्ड एक ही है, फ्यूल पंप का मोटर ख़राब हो गया इसका 100%, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह ख़राबी है, किसका गुंजाइश भी नहीं है इसका। इसका नया मोटर हम बाइक में अपडेट करूँगा, वीडियो में जुड़े रहना लास्ट तक। चलो गाइस, हम टैंकी ओपन करने के बाद आपके साथ मिलता हूँ, वीडियो में जुड़े रहना। ओपन हो गया, बस यहाँ पर दो बोल्ट हैं, यहाँ पर दो बोल्ट हैं। चाबी दो। चलो ये ओपन, पूरा ओपन हो गया। ACM बोर्ड है, ACM बोर्ड का जैक है, ये दो बोर्ड ओपन करना पड़ेगा तब जैक निकलेगा यहाँ पर, यहाँ से। देखिए हो गया, ऑन करो, करो अंदर, करो। देखिए यहाँ पर पेशाब थोड़ा कम है, बंद करो, पेशाब तो भालो अच्छी फिर बंद। देखिए यहाँ पर ACM कपलर है यहाँ पर, ठीक है। रुकिए थोड़ा, रुकिए, चलो हटो इधर आओ।
चार वायर है यहाँ पर, दो वायर मोटर पंप का है और दो फ्यूल मीटर का है, ठीक है। ये मेन फ्यूल पंप का है ब्लैक में ऑरेंज, आइए ब्लैक में येलो, ये दो हो गया। आइए रेड में ब्लू, ब्लैक में व्हाइट, ये दो ये देखिए सिक्स स्क्रू है यहाँ पर 80mm का। देखिए इसका ये मोटर है, ये चेंज होगा, ऑपरेट करूँगा यहाँ पर नया। अरे फ्यूल पंप का, फ्यूल मीटर का फ्लोट है, इसको देखते हैं किस तरह खराबी है इसका, ये भी चेंज होगा, ठीक है। ठीक है उसको ये फिल्टर है मोटर का, और यहाँ पर एक स्क्रू और है, इसको हम चलाना पड़ेगा, यही है थोड़ा इसको पुश करना चाहिए, बस निकल जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये मेन माइनस प्लस, ठीक है। मोबाइल जी टूट रहे, ठीक है। मैं ऑपरेट करूंगा, एक ग्राउंड है, एक मेन लाइन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर प्लस, इसको हम तो बस ओपन करने के बाद आपको सब मिलता हूँ। अब जब नया ऑपरेट करूँगा बताता हूँ पूरा हिसाब से। में न्यू नहीं है, पुराना है, ये न्यू है, इसको हम यहाँ पर ऑपरेट करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस प्लस, इस तरह बैठेगा, इस तरह
से बहुत मसला है। तो यानी कि सब फिटिंग हो चुका है इसका। अब हम यहाँ पर एक पाइप लगेगा, देखिए किस तरह पाइप लगेगा। तो तार लेके आओ। ऑपरेट हो गया है, अब हम टैंकी में फिट करूंगा, जुड़े रहना। चलो ना, इस तरह रहेगा। अब हम गाड़ी में ऑपरेट करूँगा टैंकी को, लेके आओ। कब्जा इस तरह लगेगा, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस तरह लगेगा। ये हम नहीं लगाऊंगा, हम चेक करूँगा लाइट। देखिए किस तरह पिसा रहे है। एक बार करो, बंद करो। हो गया यहाँ पर, अब हम पूरा फिटिंग करूँगा। देखो अब बैक को स्टार्ट करूँगा। जैसे सुझे ऑन किया हम, अब बैक को मिक्सर करूँगा। देखिए बाइक स्टार्ट हो गया, बाइक आपको हम कर करके इस तरह बैठता है पिकअप। हो गया, कोई मशीन नहीं है बैठ का, ठीक है। जो आपको पूरा हम गाड़ी को फिटिंग करके बाद कपड़ा लगा के बाद आपको हम मिलता हूँ, मुझे ना मिले होंगे। तो सो गाइस, पूरा बाइक पूरा फाइनल हो चुका है। कपड़ा लगा के, टेंगी कवर लगा के, सीट लगा के, जितना भी गाड़ा बड़ा मतलब पूरा कम्प्लीट हो गया। अब हम फाइनल स्टार्ट करूँगा, इनिशियल स्विच ऑन करूँगा, एक्टिव स्विच। अब बाइक को हम स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट हो गया। अब टोटल घुमाऊँगा, देखिए वही मिशन नहीं है, ठीक है। होटल में कोई मिसिंग नहीं है। आप आपके पास इस तरह गाड़ी लेके कस्टमर आएगा तो आप देख के पूरा काम कर सकते हैं आप। तो आज वीडियो इतना ही, नए वीडियो इंतजार करने वाला। बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।